हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे मेरी स्विफ्ट डिजायर 2013 मॉडल की टच स्क्रीन इंस्टॉलेशन पे। सो ये टच स्क्रीन बेसिकली हाइपरसोनिक की है और ये टच स्क्रीन हम पूरी उसके लगाते हुए पूरे देखेंगे फीचर्स क्या क्या है और कैसे लगती है उसके अंदर। सो आज की वीडियो उसी के ऊपर है, तो चलिए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। So we are at Hypersonic Karolbag. As previously mentioned, इनके पास 250 कार मॉडल्स हैं टच स्क्रीन के। So start करते टाइम सबसे पहले एसी वेंट निकाला जाता है गाड़ी में से, ताकि नीचे से स्टीरियो निकाला जा सके। ऊपर दो पेच है वो निकालने पड़ते हैं, फिर ही स्टीरियो खींच के बाहर डायरेक्टली निकाला पाता है। और उसके सारे कनेक्टर्स बाहर निकाल लेते हैं, तो आप अंदर देख सकते हैं कैसे होता है स्टीरियो के अंदर सब कुछ। तो जैसा आपने पुराने वीडियो में देखा होगा, सारी वायर्स कपलर टू कपलर होती हैं और कोई कटिंग इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। अब ए पिलर की प्लास्टिक फिटिंग हटवा के उसमें लगाया जाता है GPS, ताकि आप गूगल मैप यूज कर सकें। और फिटिंग आप देखिए तो ग्लव बॉक्स के एरिया से होती हुई आती है वायर्स, और कोई भी वायर आपको नहीं दिखेगी एक बार सब कुछ पैक होने के बाद। और ये ऊपर माइक भी लगाया जाता है कॉलिंग वगैरह के लिए, इसे ऑडियो क्वालिटी काफी बढ़िया आती है और काफी इंप्रूव हो जाती है कॉलिंग क्वालिटी। सारी वायरिंग फिटिंग के बाद सारी वायर स्टीरियो में लगाई जाती हैं, और सारी वायर जैसे आप देख सकते हैं सब कुछ कपलर टू कपलर है। और एक बार स्टीरियो फिट हो गया, फिर वापस एसी वेंट्स भी लगा दी जाती है अपनी जगह पर। अब देखते हैं इसके सारे फीचर्स। तो ये है प्रॉपर फिटिंग, अगर आप देखें, मैं गाड़ी ऑन करता हूँ एक बारी। जैसे आप देखें तो इस पर हाइपरसोनिक का लोगो आता है ऑन करते टाइम। सो ये मेरा वाला वेरिएंट 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला मॉडल है। तो अगर हम इसकी बात करें बेसिकली फीचर्स की, तो इसके अंदर एंड्रॉयड आता है बेसिकली बिल्ट इन। और ये जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये मेरा 2GB और 32GB वाला है बेसिकली वेरिएंट। तो इसमें 2GB रैम आती है और 32GB इंटरनल स्टोरेज। तो इसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा, जैसे मैंने भी अपने घर का वाईफाई ही कनेक्ट किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी अभी घर के पास ही खड़ी है, तो घर का वाईफाई इसमें ऑलरेडी है कनेक्टेड। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसमें YouTube अभी प्ले करा हुआ है, और आप इसी से नॉर्मल एक एंड्रॉइड टाइप की तरह यूज़ कर रहा हूँ इसमें मैं। तो इसमें प्रॉपर सारी वीडियो चला सकते हैं, इसमें आप YouTube यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं इसमें आप। जैसे मैंने YouTube अगर बंद कर देता हूँ, ये इसका होम बटन है लेफ्ट साइड पर। जैसे मैं आपको बता रहा था, गूगल की कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आप प्ले स्टोर पर जाएँ, जैसे आप देखें प्ले स्टोर, तो इस पर आप कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ भी चला सकते हैं। ये प्रॉपर एक एंड्रॉयड डिवाइस की तरह काम करेगा, एक एंड्रॉयड टैप की तरह। तो ये तो हो गया गूगल प्ले स्टोर, और अगर आप देखें तो इसमें जैसे दिखा रहा था आपको बेसिकली यूट्यूब, तो आप यूट्यूब प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियो ही प्ले अभी करी हुई थी, प्रॉपर सब कुछ बढ़िया चलता है, कोई इशू नहीं। इसमें आप गूगल क्रोम खोल सकते हैं, कोई वेबसाइट खोलना चाहें आप कुछ भी खोल सकते हैं। मेन मेरे हिसाब से इसका पर्पस है बेसिकली गूगल मैप्स, इस पर ना कि बेसिकली यूट्यूब देखना, ना कि कोई इस पर वो चलाना वीडियो वगैरह। इसका मेन बेनिफिट और मेन फ़ायदा मेरे हिसाब से है गूगल मैप्स नेविगेशन के लिए। तो इसका बेसिकली मेन बेनिफिट मेरे हिसाब से है गूगल मैप्स, और उसके अंदर सारी चीज़ें यूज़ करना और देखना आप कहाँ जा रहे हैं, और अपना ध्यान ना हटाना बेसिकली ड्राइव करते टाइम। जैसे देख सकते हैं मैंने इसमें प्राइम वीडियो डाली हुई है, इसमें मैंने यूट्यूब म्यूजिक, काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं इसके अंदर। और चलिए आपको दिखाता हूँ इसकी मैं डिस्प्ले क्वालिटी। डिस्प्ले क्वालिटी के लिए इसके अंदर वीडियो ऐप दी है,
और इसके अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड या प्री बेसिक लोडेड वीडियोज आती हैं, तो ये वाली वीडियो काफी अच्छी है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, जैसे ही इसका आप इसको ऑफ करेंगे लाइट्स को, अपने आप डिस्प्ले से काफी हो जाता है बेसिकली ब्राइट। सो इसका मेन बेनिफिट ये है कि धूप के अंदर काफी आपको दिखेगा ब्राइट, और जैसे ही आप लाइट्स ऑन करते हैं गाड़ी की, अगर आप यहाँ देखें ऑन करते ही हो जाएगा डिम। सो ये इसका काफी अच्छा फीचर है, और उन्होंने काफी बेसिकली सोच समझ के बनाया है ये फीचर। तो आप जैसे देख सकते हैं, देखने में ऐसा ही लग रहा है कि इसके साथ ही आई थी लग के बेसिकली टच स्क्रीन। काफी अच्छा लग रहा है देखने में, और लग रहा है गाड़ी की लुक टोटली चेंज हो गई है बिल्कुल, आप देखिए तो कहीं से पता भी नहीं चल रहा। एक्सेलेंट फिनिश। तो ये भी गोरिल्ला ग्लास के साथ ही आता है, और आपको इसमें कोई प्रोटेक्टर यूज करने की नीड नहीं है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो आप अपनी किसी भी कार में लगा सकते हैं टच स्क्रीन। हाइपरसोनिक के पास ओवर 250 मॉडल्स हैं, और आपकी कार मोस्टली कवर होगी ही। तो अगर आप लगवाना चाहते हैं हाइपरसोनिक, करोल बाग दिल्ली में जाएं और वहां टेक ट्यूब का नाम लें। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आप बताइए आपको ये टच स्क्रीन कैसी लगी। जैसे आपने देखा काफ़ी अच्छी लग रही है टच स्क्रीन, तो अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो गाइस, अगर आप ये लगवाना चाहते हैं टच स्क्रीन अपनी किसी भी गाड़ी में, चाहे वो पुरानी गाड़ी हो डिज़ायर से लेकर, चाहे नई गाड़ी हो टाटा हैरियर, आप प्रिंस जी के पास जाएं और हाइपरसोनिक से ये लगवाएं, और वहां से आपको ज़रूर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो गाइस, सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है उनकी, तो अगर आपको कुछ भी लगवाना है आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, दिस इज फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।